रीट परीक्षा को लेकर आपको ले चलते हैं बांसवाड़ा, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि रीट को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है। किशन सेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप वहां पर देख पा रहे हैं? पिछली बार जो चूक हुई थी जिसके चलते परीक्षा को रद्द करना पड़ा था, इस बार किस प्रकार की व्यवस्थाएं बांसवाड़ा में देखने को मिल रही है? देखिए आशीष, इस वक्त मैं गुरु गोविंद कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर तमाम, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे पुलिस के जवान संपूर्ण तरीके से यहाँ पे बंदोबस्त है, ताकि किसी भी प्रकार की इस रीट परीक्षा के अंदर में लापरवाही नहीं हो जाए। आपको बता दें कि जब पिछली बार के अंदर में रीट परीक्षा को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगे थे, उसी के बाद के अंदर में एक बार फिर से डीजीपी हो या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि किसी भी प्रकार की परीक्षा के अंदर में एनए में तपाई जाती है तो उस पर सीधी सीधी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि आशीष, आज बांसवाड़ा के अंदर में करीब 39 ऐसे सेंटर है जिन पर रीट की परीक्षा होगी, और दो पारियों के अंदर होगी। सुबह जो 10 बजे से चलकर करीब 12:30 बजे खत्म होगी, और दूसरी अगर बात करें आशीष, तो करीब 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगी। इस पूरे परीक्षा केंद्र के अंदर में करीब है जो एक एक सेंटर पर 6-6 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। उधर जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने यह साफ कर दिया है कि जो 9 बजे तक जितने भी जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आएंगे, वो 9 बजे पहले एंट्री हो जाएंगे। और वही आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां जहां भी ये जो रीट परीक्षा जहां आए हैं परीक्षा देने के लिए, वो करीब 2 घंटा से पहले ही आ चुके हैं। कुछ एक दो लोग जरूर लेट आए हैं, हालांकि उन लोगों को पुलिस ने बाहर ही कर दिया, क्योंकि नियम के अनुसार यह माना नहीं जा रहा था। आपको बता दें आशीष कि पूरे जिले के अंदर में करीब 11,424 जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा दे रहे हैं पहली पारी केंद्र में। जी आशीष, बिल्कुल किशन, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं पुलिसकर्मी मौजूद है, एक बार उनसे बात करने का प्रयास करें किस प्रकार के एहतियात या इस बार बरते गए हैं सुरक्षा कारणों के चलते, किस प्रकार के जो प्रतिबंधित चीजें हैं जिनको चेक करके परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया गया है, एक बार बात करने का प्रयास करें। जी आशीष, में हम यहाँ पर जो तमाम पुलिसकर्मी खड़े हैं, हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि पिछली बार जिस प्रकार से जो लापरवाही हुई, इस प्रकार जो अभ्यर्थी आए उसको किस प्रकार से अंदर प्रवेश दिया गया। सर, सर अब इस बार किस प्रकार की तैयारियां हैं पुलिस की? पुलिस की ये है कि जो भी परीक्षार्थी आए हैं उनको चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रॉपर चेक करके उनको अंदर भेजा गया, और समय के अंदर जो भी समय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया उस समय के अनुसार उनको अंदर भेजा गया है। सर, एक एक सेंटर पे कितने पुलिसकर्मी लगाए गए? जैसे 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 कैंडिडेट हैं इस हिसाब से पुलिस जाब्ता लगा हुआ है। सर, अभी कोई अभ्यर्थी कोई लेट वगैरह आए जिनको 9 बजे बाद? नहीं, इसके बाद तो नहीं आए, जो टाइम निर्धारित था उनको अंदर प्रवेश दिया गया है। कुछ लोग आए हैं वो बाहर ही है, उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है। बिल्कुल किशन, ये मेरे साथ में पुलिस के जवान बुल सिंह, इनका कहना है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते, इसके लिए पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं, और जितने भी अभ्यर्थी जो 9 बजे से पहले यहाँ पर आ गए हैं उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर परीक्षा देने के लिए अंदर भेज दिया गया। तमाम यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी मुख्य गेट पर जब आए हैं तो उनकी संपूर्ण जांचें की गई है, संपूर्ण चेक किए गए, संपूर्ण दस्तावेज उनके चेक किए गए, इसके बाद उनको अंदर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। जी आशीष, बिल्कुल किशन, जयपुर से खबरें आई है, कल से बारिश का दौर लगातार जारी है, मौसम की परेशानी यहाँ पर देखने को मिली है, परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी हुई है। तो बांसवाड़ा में किस प्रकार का मौसम आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार की वहां पर मौसम में बारिश या फिर किसी प्रकार की कोई परेशानी परीक्षार्थियों को देखने को मिली है? ऐसी से अगर अभी तक की बात करें तो बारिश का मौसम जरूर है, लेकिन यहाँ बारिश की जो चुटमुट बूंदे हो रही है, हालांकि अगर बारिश राजस्थान के बांसवाड़ा को छोटा चेरा पूंजी कहा जाता है, अगर ऐसे के अंदर में अगर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को इस बारिश के अंदर में इस परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सुबह से जो बारिश का मौसम है वो काली घटाओं के अंदर में या घनाघोर है, वो बिल्कुल छाया हुआ है, लेकिन इंद्रदेव कब मेहरबान होंगे इसका कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो अभ्यर्थी आए हैं उनको इस बारिश से राहत है। जी आशीष, जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता बांसवाड़ा से किशन सेन, हमारे साथ जुड़े थे लाइव, जिन्होंने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा जांच के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों में अंदर जाने की अनुमति दी गई है। फिलहाल बांसवाड़ा की अगर बात करें तो मौसम सुहावना है, बारिश का दौर फिलहाल वहाँ शुरू नहीं हुआ है, ऐसे में रीट परीक्षार्थियों को कहीं न कहीं जो परेशानी हो सकती थी बारिश से, वो परेशानी वहां नहीं उठानी पड़ी है। हालांकि जयपुर की बात करें, जयपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है, जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, कल से बारिश का दौर लगातार जारी है, रीट परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना राजधानी जयपुर